Okay, okay, okay. बिजनेस आपका है, चलाना भी आपको है. आई एम जस्ट द पर्सन हु आर गोना टेल यू हाउ एंड व्हाट आर द न्यू डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रैटेजीज टू ग्रो योर बिजनेस. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है और किस तरीके से ग्रो करना है वो चीजें मैं बता सकता हूँ, मगर ग्रो आपको ही करना है. आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, मैं आपको चीजें बता सकता हूँ, इवन दो इन फ्यू सर्कमस्टांसेस में आप लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ, बट करना तो आप ही लोगों को पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस मेरा नहीं, बिजनेस आपका है. आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप अपनी मर्जी से ही करना चाहेंगे. अगर आप खुद नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में चाहे आप किसी के साथ भी, आपका 10 साल का रिलेशन हो, 5 साल का रिलेशन हो, 15 साल का हो या 30 साल का हो, कोई मैटर नहीं करता. हर आदमी एक दूसरे से प्रॉफिट के लिए जुड़ा हुआ है. आपको किसी से कुछ प्रॉफिट है, उसको किसी से कुछ प्रॉफिट है, उसको किसी से कुछ प्रॉफिट है. ये सिर्फ प्रॉफिट की दुनिया है. जिससे भी आपका कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए हर वो काम करेंगे जिससे उसका बेनिफिट हो, प्लस आप अपना प्रॉफिट भी देखेंगे उसके अंदर. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को खुद ग्रो नहीं करेंगे तो कोई भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. यू आर द ओनली पर्सन हु विल रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो योर बिजनेस. चलिए बात करते हैं कि मैं ये वीडियो किन लोगों के लिए बना रहा हूँ. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली हमारी अपैरल स्पोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. चाहे वो कोई भी वेंडर हो सकता है, फैब्रिक सप्लायर वेंडर हो सकता है, डाइंग सप्लायर वेंडर हो सकता है, लेस सप्लायर वेंडर हो सकता है, प्रिंट सप्लायर वेंडर हो सकता है, धागा सप्लायर वेंडर हो सकता है, कटिंग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, स्टिचिंग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है. किसने रोका है आप लोगों को? क्यों आपको लगता है कि डाइंग वाला सिर्फ एक ही कंपनी से काम करेगा तो ही वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्यों आपको लगता है कि जो ट्रिम वाला है एक ही कंपनी को सप्लाई करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा? तो आप एज एन कॉन्ट्रैक्टर आप क्यों सोचते हो कि आप एक ही के साथ काम करके आप अपने आप को लाइफ सक्सेस कर लेंगे? ये आपका मिथ है. अगर आप इस मिथ से जितनी जल्दी बाहर हो सकते हो आ जाओ, वरना आपने पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल आपने जो एक्सपेंड किए हैं, जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो सब वेस्ट हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने आज स्टेप नहीं लिया ना, कल आपकी जगह कोई और आएगा और उसकी जगह कोई और आएगा. कंपनीज कभी बंद नहीं होती, कंपनीज टाइम टू टाइम अपने लोगों को एक्सचेंज करती रहती हैं. चेंजेस प्रकृति का नियम है. तो आप भी कोई परमानेंट नहीं है ना, कोई दूसरा परमानेंट है. मेरी जगह कोई और आएगा और आपकी जगह कोई और आएगा, ये कंफर्म है. मगर अगर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में सजग रहेंगे, क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आप को एक उस लेवल पे खड़ा कर सकते हैं जिस लेवल पे आपने कभी सोचा है, और अपने आप को उस लेवल पे खड़ा करने के बाद आप एक के साथ काम करें, दो के साथ काम करें, 10 के साथ काम करें, बिजनेस आपका है. आप कितने लोगों के साथ काम करना चाहते हैं ये आप डिसाइड करेंगे. लेबर को पेमेंट आप ही करते हैं, हर चीज आप ही डिसाइड करते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते हो चार लोगों के साथ काम? एक ही लोगों पे डिपेंडेंसी क्यों? अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई हम कैसे अप्रोच करें. भाई इतना काम किया है आप लोगों ने मार्केट के अंदर, ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी सोशल प्रेजेंस बना रखी है, बट उस सोशल प्रेजेंस से आपका सिर्फ जो नेटवर्क है वो ग्रो हुआ है, बट लोगों को ये पता नहीं कि आप क्या काम करते हैं. किसी भी कंपनी के ऑनर या किसी भी एक्सपोर्ट हाउस के ऑनर डिसाइड तो वही करते हैं कि हाँ कौन हमारे पास आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा, कौन नहीं होगा, बट आप उन तक पहुंचते क्यों नहीं हो? रीज़न क्योंकि आप उस चैनल को यूज़ करते हैं
जिस चैनल को आज से 10 साल पहले भी यूज किया जाता था, बट आज की डेट में वो चैनल कब के डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी को किसी से मिलना है तो वो प्रैक्टिकली आएगा, विजिटिंग कार्ड देगा, वेट करेगा, पहले वो सोच पहले स्टाफ से मिलेगा, देन मूव ऑन करेगा, देन उसके ऊपर डिजाइनर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, थक हार के वो बेचारा फाइनली एक सॉल्यूशन निकालता है कि नहीं यार मिले नहीं मिले, फिर भी उसके बावजूद आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती। अब इस चीज को कैसे आप शॉर्ट आउट करें? सबसे पहला चीज, जितने भी लोग हैं जिनका भी मैंने अभी नाम लिया है इन वीडियो में, जो भी सप्लायर जिस भी तरीके के, वो सबसे पहले तो अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कराएं। वेबसाइट क्रिएट कराने के बाद उसकी हर पेजेस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन लाइक मतलब आपके वेबसाइट इस तरीके से वर्किंग करके इस तरीके से ऑप्टिमाइज की गई हो ताकि कोई भी अगर आपकी साइट पे लैंड करे तो उसको आपके काम के बारे में कितना डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। देखिए होता क्या है कि हमेशा इंडस्ट्री में जो पहले से काम कर रहे हैं ना, वो अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से वो जगह एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं इट्स एन ओपन मार्केट। आप समझो ओपन मार्केट के अंदर आप कभी भी किसी के साथ भी काम कर सकते हो, बट आपके अंदर सिर्फ गट्स होने चाहिए, आपको डीप वीक एनालिसिस और सबसे स्पेसिफिकली आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं, अगर आपको काम करने का है, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो पहले तो आप अपनी प्राइस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और फिर भी अगर इन एनी केस अगर आपको अपनी प्राइस से कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा तो फॉर सर्टेन वन और टू ऑर्डर्स आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपके आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है ना, आपकी सर्विसेज में क्वालिटी है, तो आप किसी से दब नहीं सकते या किसी के प्राइस पे नेगोशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में एक के साथ काम नहीं कर रहे, चार के साथ काम कर रहे हैं। और बिलीव मी, जिस दिन आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली ना, आप लोगों के साथ वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो पिछले कई सालों से आपके साथ होती आ रही। वेबसाइट क्रिएट कीजिए, पेज ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, अलॉन्ग विद दैट कस्टमर ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली आप अपनी साइट पे कौन 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 लोग विजिट कर रहे हैं उनको प्रॉपरली ट्रैक कीजिए। यू मीन टू से लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लीजिए जिसके अंदर आपका एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए, उसके ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, कंटेंट राइटिंग चाहिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग चाहिए आपको, एंड प्रॉपर पेड प्रमोशंस। देखिए ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना बड़ा कि आप समझ रहे कि हाँ ये तो हमारे बस की नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमारे सर के ऊपर से निकल गया। हाँ बिल्कुल ये आपका एरिया ऑफ फील्ड नहीं है, मगर हर बिजनेस के अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। एक्सपर्ट होना एक अलग बात है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, आप अपनी जिसमें आप बेटर हैं आप उसकी तो कीजिए, और जिसमें आप बेटर नहीं हैं आप उसके लिए थर्ड पर्सन को हायर कीजिए, वो थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे वो सारे काम करेगा, उसके बदले में जो भी आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है आप उसको वो सर्विस पे कर दीजिए, बट एटलीस्ट थ्रू दैट वे यू विल एबल टू गेट मोर क्लाइंट्स। और अगर आपने ये प्रोसेस शुरू किए ना फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन, और यू कैन से लाइक आने वाले जो 2-3 महीने भी है ना, भी जो बचे हैं उनके अंदर भी ना आपको वो बिजनेस मिल जाएंगे जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि रिजल्ट्स और पेशेंस दोनों चीज आपके को रखना है। पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट्स 100% है, और अब जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो आपके हिसाब से आएंगे। अभी तक जो रिजल्ट्स आते थे वो दूसरों के हिसाब से आते थे, इसलिए आपको उस हिसाब से प्रोग्रेस मिल नहीं पाती थी जिस हिसाब से आप चाहते थे। मगर अब जब ये सब चीजें आप करना शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंट नई चीज स्ट्रैटेजी मिलेगी, डिफरेंट नए तरीके से लोगों तक आप पहुंच पाओगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। फॉर दैट वीडियो दैट्स ऑल अबाउट इट, और मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा जिन लोगों को भी इस तरीके की कोई भी अगर सर्विसेज की नीड होगी
तो आप वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं एंड माय टीम विल कांटेक्ट यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एक नीचे का जमीन आप मुझसे कराएं किसी से कराएं, इट डजंट मैटर, मगर आपका बिजनेस है, आपको करना है और आप ही जिम्मेदार हैं. बिजनेस ग्रो होगा तो आपका प्रॉफिट है, और बिजनेस अगर खराब होता है तो भी आप ही का दोष है. सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है इनको प्रोसेस कीजिए, और मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस लेके आता रहूंगा, ताकि जो बेसिकली जो मेहनत करते हैं ना, उन लोगों को उनका रिजल्ट मिलना चाहिए. बहुत जरूरी है, अगर मेहनत करने वाले को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो कभी भी अपने आप को मोटिवेटेड नहीं पाएगा, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी. टिल देन बाय, टेक केयर.